हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में जिसका जो मेन बिजनेस है वो है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, माइनिंग, इरिगेशन सिस्टम्स, उन सब के ऊपर इस कंपनी का बिजनेस होता है। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1988 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है अहमदाबाद में। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, धड़े सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कंपनी क्या बिजनेस करती है और फर्दर इन फ्यूचर इसका क्या बिजनेस हो सकता है और यह कंपनी इन फ्यूचर किस तरह का आपको रिस्पांस दे सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को रेडीज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कंपनी जो शेयर सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है वो टोटली किसके ऊपर एंगेज है, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, हाईवेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम एंड साइट प्रिपरेशन फॉर माइनिंग। मतलब ये सब जो हमने बात की है, मतलब क्या कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस रिलेटेड हाईवे हो गए, रोड हो गए, या फिर इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन या फिर कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है। उसके ऊपर ही पूरा कंपनी रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी का डिपेंडेंट होता है। सो हम बात कर लेंगे करंटली कंपनी का जो शेयर, जो सेक्टर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है, यानी सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो है 37.82, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है और बोलूं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो निकल कर आता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर मैं क्लियर बोलूं तो एक अंडर वैल्यूड पी रेशियो, दैट इज 1.3 का इसका पी रेशियो स्टैंड करता है। सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो वो है एवरेज 3.84 के रेशियो फॉर्म में, जबकि शेयर का जो पीवी रेशियो है वो है 0.51 के रेशियो फॉर्म में। हालांकि अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो आपको एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो ना के बराबर है, 0% इसका डिविडेंड यील्ड है, जबकि जो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है एवरेज वो है 1.03 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि एक कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 1035 करोड़ रुपीज़, जिसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 751 के आसपास। और इसका जो बीटा है, बीटा इसका ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा रिस्की नहीं है, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, तो इसके अंदर आप एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट करके आप भी आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को रख सकते हो। डेरिस बीटा स्टैंडर्ड 0.46 और इसकी 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो वो है 461,635 शेयर की इसमें एवरेज डिलीवरी भी हुई है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी के जो 2017-18 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था कंपनी को, अगर बात करूं तो लॉस ही हो रहा था। ऑल दो अगर मैं पिछले साल से इस साल को कंपेयर करूं, ऑल दो इस साल सिचुएशन इतनी वर्स थी, बट फिर भी कंपनी ने कैसे कम बैक किया पता नहीं, बट फिर भी कंपनी का जो कि पिछले साल जो रेवेन्यू था वो था 55,000 करोड़ रुपीज़ का, जबकि प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 0.02,000 करोड़ रुपीज़। बल्कि इस साल जो कंपनी जो रेवेन्यू है वो उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला, दैट इज 5.36,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। उसके सामने कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दैट इज 0.79,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि जब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम कंपेरिजन करें तो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 46.74, जो कि लेस देन 50% है, दैट इज अ नेगेटिव इंडिकेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। बट फिर भी कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग भी है उसमें से मोर देन 50% से भी ज़्यादा जो होल्डिंग है वो कंपनी ने प्लेज कर रखी है, जो कि मेरे को बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन लग रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 26-28% या फिर 30% के आसपास कंपनी जो होल्डिंग है वो कंपनी ने मार्केट में शेयर को प्लेज करके रखा, जो कि मेरे को बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन लग रहा है इस कंपनी में, जो कि वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी की अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए कंपनी जो प्रमोटर की जो प्लेज होल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको अगर आप इस कंपनी में निवेश भी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो प्लेज होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा और वो एक नेगेटिव इंडिकेशन है लॉन्ग टर्म के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर बात करूँ तो वो है 20.87 और DII की जो होल्डिंग है वो है 4.21%। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड, दैट इज FII की बात करूँ तो उनका इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4.33% पर। आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 23.82% के परसेंटेज फॉर्म में।
अब हम कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, तो हम देखेंगे कि कंपनी का टोटल इनकम जो कि मार्च क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो था 705 करोड़ रुपीज़, जो कि जून क्वार्टर में गिरकर हो चुका था 456 करोड़ रुपीज़, और सेप्टेम्बर क्वार्टर में फिर से बढ़कर हो चुका है 620 करोड़ रुपीज़। हालांकि टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने जो पहले टोटल एक्सपेंस कंपनी ने पहले से जनरेट किया था उसमें से कंपनी ने रिजर्व लिया था, इसलिए कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें आपको -968 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्सिडीज के थ्रू ऐसा कंपनी का हुआ है कि कंपनी को वो फिर से रिटर्न बैक मिला है, तो उसके कारण जो कंपनी की जो उस साल जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है, 1280 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है उसके बावजूद, क्योंकि तो जून क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 342 करोड़ रुपीज़, उसके कारण जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको लॉस में देखने को मिला है, -123 करोड़ रुपीज़। और अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 441 करोड़ रुपीज़। तो अगर मैं ईबीट डेट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो कंपनी जो नेट लॉस है वो हो चुका है कंपनी का -60 करोड़ रुपीज़। हालांकि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया था, बट इस क्वार्टर में कंपनी ने, या फिर बात करूँ तो दो क्वार्टर में डेट जून और सेप्टेम्बर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई करने के लिए कंपनी को नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी जाके आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। बट अगर मैं रिटर्न रेशियोज़ की बात करूँ ऑन एन ईयरली बेसिस, तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके ऊपर कंपनी का जितना भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी के जो भी रिटर्न्स होते हैं वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का -0.34, क्योंकि उस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया था, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 2.53% पर, और 2020 में रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट बढ़कर हो चुका है 49.53% पर। अगर मैं ROCE की बात करूँ, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी रिटर्न आता है वो होता है कंपनी का ROCE परसेंटेज। तो वो था 2018 में 10.88%, जो कि 19 में हो चुका था 10.69, और इस साल हो चुका है बढ़कर 12.34 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था 2018 में -0.02, 19 में 0.13%, और 20 में हो चुका था 6.45 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि अगर जो भी लेवरेज रेशियो का कंपेयर करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के बहुत ही ज़्यादा खराब है। ऑल्दो कंपनी ने रिकवर किया है, बट फिर भी इतना ज़्यादा रिकवर नहीं किया है कि कंपनी में अभी आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप इसमें बाइंग कर सकते हो। दैट इज 2018 में जो कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो था 10.68, 19 में 12.48, और इस साल हो चुका है गिरकर 4% के आसपास, दैट इज 3.95 के आसपास कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। दैट शोज दैट कंपनी की अगर समझ लो मार्केट में एक इक्विटी है तो उसके सामने कंपनी के मार्केट में 4 डेट होल्डर्स भी हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन होता है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग पेमेंट होती है उसको पे करने की क्या कैपेसिटी है वो आपको दर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कंपनी का 2018 में था 0.94 के परसेंटेज फॉर्म में, 19 में 1.02, और इस साल 2020 में हो चुका है 0.79 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी का शेयर करंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है और कितना इसका फायर हाई की बात करें तो वो है 440 रुपीज़ के आसपास। अगर आज की अगर मैं बात करूँ तो आज इसने क्लोजिंग दी है 58.95 रुपीज़ पे, इसने क्लोजिंग दी है 2.31%। यह शेयर आज भी गिरा है मार्केट में। अगर आपको इस कंपनी में निवेश भी करना, दैट इज अगर मैं फाइयर हाई के हिसाब से बात करूँ तो आप अभी भी आपको ये शेयर ऑलमोस्ट 8 times डाउन वैल्यूएशन पे अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। दैट शोज दैट अभी भी इसमें एक वैल्यूएशन, इन फ्यूचर आप नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप इसमें आप इसको इस शेयर में आपको इसमें एंटर करना हो तो आपको इसको 50 के लेवल तक वेट करना चाहिए तब आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 54 के आसपास। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द रिस्क, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट लेना चाहिए कि आपको सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं।
सो होप करता हूँ कि आपको इस कंपनी का जो शेयर एनालिसिस हमने अभी किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अगेन, अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।